Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the online lecture series of environmental science. Previous lecture mein hum discuss kar rahe the functions of ecosystem. Continue karenge. Usme humne bataya tha aap logon ko function of ecosystem samajhne ke liye ek cheez ka samajhna bahut zaruri hai. Aur wo kya hai? Aapka humne kaha tha food chain, food web, trophic structure aur trophic level. ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है. तो आज हम मेन फंक्शन पे जाना चाहेंगे कि भाई फंक्शन है क्या आपके इकोसिस्टम का, जिसमें दो मेन फंक्शंस पहले हम डिस्कस करेंगे. वो फंक्शन से आपके एक एनर्जी फ्लो या हम इसे एनर्जी ट्रांसफर भी कहते हैं, ट्रांसफर. दूसरा जो फंक्शन हम डिस्कस करेंगे वो है आपका न्यूट्रिएंट साइकिलिंग. तो इन दोनों चीजों पे हम डिस्कस करेंगे क्योंकि अब आपको समझ आया कि फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, और ट्रॉफिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है. अब आपको एनर्जी फ्लो या न्यूट्रिएंट साइकिलिंग को समझना आसान हो जाएगा. देखो भाई, एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी का अगर हम अल्टीमेट सोर्स देखेंगे तो वो होता है हमारा सन. सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. तो सन की एनर्जी को कैप्चर करने वाले ऑर्गेनिज्म जिनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, प्रोड्यूसर्स आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और कैपेबिलिटी ऑफ कैप्चरिंग द रेडिएंट एनर्जी एंड गेट इट कन्वर्टेड इनटू बायोकेमिकल एनर्जी. अदरवाइज ऑल अदर ऑर्गेनिज्म व्हिच वी कॉल प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टनरी कंज्यूमर, दीज आर ऑल हेटेरोट्रॉप्स, मींस दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म. व्हाइल इन केस ऑफ प्रोड्यूसर दे हैव द स्पेशल पावर, स्पेशल कैपेबिलिटी टू ट्रैप द रेडिएंट एनर्जी and get it converted into chemical energy, and the same energy be readily available for all other organisms, be it primary, secondary, tertiary or quaternary consumers. कहने का मतलब है आपका जो radiant energy sun का है वो आपके producers में चला जाता है. producers उस energy को कैप्चर करते हैं, उसके बाद फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर करके भाई ये प्राइमरी कंज्यूमर को ट्रांसफर करता है, प्राइमरी कंज्यूमर को. फिर उसके बाद भाई प्राइमरी कंज्यूमर इसे सेकेंडरी कंज्यूमर को ट्रांसफर करेगा, भाई सेकेंडरी कंज्यूमर फिर उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर को, फिर उसके बाद फाइनली क्वार्टनरी कंज्यूमर्स में ये एनर्जी ट्रांसफर होगा. एनर्जी ट्रांसफर होगा हम बोल रहे हैं, एनर्जी फ्लो होगा हम बोल रहे हैं. क्योंकि फॉर एग्जांपल हम ऐसे बताना चाहेंगे आप लोगों को, इफ प्रोड्यूसर्स हैव गॉट और कैप्चर्ड और ट्रिप्ड 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी, इट पासिस अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दैट्स टू प्राइमरी कंज्यूमर. And some of the energy is being used for its metabolic activities like respiration के लिए, hunting के लिए, movement के लिए, एक दूसरे activities के लिए कुछ energy इस्तेमाल करता है, तो next level को transfer करता है ये energy secondary consumer को. secondary consumer में भी वही functions होते हैं, different metabolic activities होते हैं, वहाँ पे use होता है, तो कुछ amount of energy यहाँ पे transfer हो जाता है. तो कहने का मतलब है हर एक लेवल में आपका एनर्जी ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी आपका यूज भी हो रहा है, एनर्जी आपका कंज्यूम हो रहा है फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, जिसमें हमने कहा मोशन के लिए, लोकोमोशन के लिए, हंटिंग के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, उन सारी चीजों के लिए अगर एनर्जी इस्तेमाल हो रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे लॉस हो रहा है. लॉस का मतलब है 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी अगर यहाँ पे प्रोड्यूसर्स ने अगर कैप्चर किया तो इसको ट्रांसफर करेंगे 10 यूनिट्स ऑफ एनर्जी, 10% ही ट्रांसफर होता है, रेस्ट 90% इज बीइंग लॉस फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो मैंने मेंशन किए हैं. उसके बाद इस 10
यूनिट्स ऑफ एनर्जी जो हमारे पास है, इसमें से इसका 90% लॉस होगा, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को जाएगा, इसका मतलब वन एनर्जी वन यूनिट है ये 10%, इसका 10% है, इसका 10% ये 100 का 10% 10, 10 का 10% 1, फिर उसका 10% ट्रांसफर होगा भाई 0.1, फिर उसके बाद आगे ट्रांसफर होगा 0.01, फिर उसके बाद अगर कोई कंज्यूमर होगा 0.001। कहने का मतलब है अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज कैप्चर्ड बाय द प्रोड्यूसर इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल एंड द सेम अमाउंट ऑफ एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड ओनली 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी received from the previous trophic level is being transferred to the next trophic level. कहने का मतलब हर एक लेवल में आपका 90% of the previous energy जो है वो loss हो रहा है, only 10% of the previous trophic level level of energy is being received by the next successive consumers. लेकिन आप लोगों ने दो laws सुने होंगे, law thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स के दो लॉस आपने अगर सुने हैं, वो चीज मेंशन करना यहाँ पे जरूरी होगा। एक तो भाई आप लोगों ने देखा है कि एनर्जी कैन नॉर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये आप लोगों ने बार बार सुना हुआ है, तो मैं यहाँ पर बार बार लॉस का जिक्र कर रहा हूं तो शायद लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाए भाई। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है एनर्जी के नॉर बी क्रिएट नॉर जनरेटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट एक जो पोर्शन कहता है वो कहता है बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। कहने का मतलब है जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स ने कंज्यूम किया उसके बाद वहां पे लॉस हुआ, लॉस होने का मतलब है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज में वहां पे यूज हो गया, इसका मतलब वहां पे लॉस हो गया। लेकिन फर्स्ट लॉ कहता है कि एनर्जी के नॉर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो लॉस नहीं हो रहा, तो सेकेंड लॉ हमें ये जस्टिफाई करता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स It says energy is available but from more concentrated to a dissipated form. It says by second law of thermodynamics, first law kehta hai energy can not be created nor destroyed but can change from one form of energy to another form of energy. यहाँ पे सेकंड लॉ एग्जैक्टली इसको जस्टिफाई करता है, लॉस एक्चुअली नहीं हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी इज एक्चुअली डिसिपेटेड और डिस्पर्सड फ्रॉम मोर कंसंट्रेटेड टू लेस कंसंट्रेटेड और डिस्पर्सड और डिसिपेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी अवेलेबल है, डिसिपेटेड फॉर्म में है, डिस्पर्सड फॉर्म में अवेलेबल है, विच कांट बी रीयूटिलाइज्ड बैक अगेन इनटू अ कंसंट्रेटेड फॉर्म। दैट्स व्हाई एनर्जी हमारा फर्स्ट लॉ वाला भी जस्टिफाई हो गया, हमारा सेकंड लॉ भी जस्टिफाई। फर्स्ट लॉ ने कहा क्रिएट नहीं कर सकते, जनरेट भी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म से ये डिसिपेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, जो आपके लास्ट लाइन में कह रहा था फर्स्ट लॉ, बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अब हम देखेंगे भाई एनर्जी ट्रांसफर है, एनर्जी फ्लो हम कहते हैं, जबकि हमने न्यूटन को मेंशन किया हुआ है साइक्लिक है, तो भाई एनर्जी ट्रांसफर क्यों है, न्यूटन साइक्लिक क्यों है, ये हम देखेंगे भाई एनर्जी को हम ट्रांसफर क्यों कहते हैं। अब ये लॉस हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की। देखो भाई आपका प्रोड्यूसर है, फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर, यहीं तक रखते हैं, क्वार्टरी कंज्यूमर भी होता है वैसे। देखो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी 100 यूनिट हमने कहा यहां पर रिसीव किया, उसका 10% ही ट्रांसफर हो गया, उसका 10% आगे ट्रांसफर हो गया 1, उसका 10% हो गया 0.01,
अगर ऑर्डिनरी कंज्यूमर्स होगा तो 0.01। कहने का मतलब है हर लेवल में आपका एनर्जी क्या हो रहा है, आपका एनर्जी कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखिए 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पे देखो 10 यूनिट्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पे देखो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे देखो 0.01 हो रहा है हमारा एनर्जी की अवेलेबिलिटी। कहने का मतलब है हर एक ट्रॉफिक लेवल में आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इट मीन्स द एनर्जी अवेलेबल इन द टर्शियरी कंज्यूमर इन नो वे बी रिवर्टेड बैक अगेन इनटू द सेकेंडरी कंज्यूमर। Similarly, the amount of energy available in the secondary consumer in no way be revert back again available to be consumed for primary consumer. And in the same way, no energy in the producer be available for ultimate source of energy, that is sun. यहाँ पे ये energy जो producer के पास है वो sun के लिए दोबारा available नहीं है। इसलिए हमने कहा एनर्जी इज फ्लोइंग इन अ यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट, दैट्स व्हाई वी से एनर्जी इज फ्लो, एनर्जी ट्रांसफर, एंड एनर्जी वी से यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट, यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नॉट be recycled again and again. अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम बात करेंगे वो है हमारा न्यूट्रेंट साइकिलिंग। देखते हैं भाई न्यूट्रेंट्स कैसे साइकिल होते हैं जबकि एनर्जी साइकिल नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्या जिसकी वजह से हमारे न्यूट्रेंट साइकिल हो रहा है। नेक्स्ट आपका न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। देखो भाई न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करते हैं हम लोग, से फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है या हमारे पास एलिमेंटल नाइट्रोजन है जो हमारे एटमॉस्फेरिक पूल में एबायोटिक कंपोनेंट में अवेलेबल है, उनकी अगर हम बात करते हैं तो भाई कैसे आपका जो ये न्यूट्रिएंट्स है वो साइकिल हो जाते हैं जबकि आपके न्यूट्रिएंट्स है वो आपके साइकिल हो जाते हैं। ये आपका एटमॉस्फेरिक पूल, यहाँ पे आपको कार्बन है, यहाँ पे आपको नाइट्रोजन है अवेलेबल, यहाँ पे आपके प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल है। दो अलग अलग से प्रोसेस या दो अलग अलग से फेनोमेनन की अगर हम बात करते हैं, जो एलिमेंटल नाइट्रोजन है आपके एटमॉस्फेयर में अवेलेबल, इनसे हमारे प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स या विटामिन्स बनते हैं। तो डायरेक्टली इस एलिमेंटल नाइट्रोजन को हमारे ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, इसलिए कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे नेचर में है जो इन नॉन यूजेबल एलिमेंटल नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं भाई, नाइट्रेट्स बनाते हैं, NO3 नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स यूजेबल। कुछ ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है जो आपके एलिमेंटल नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स बनाते हैं। दो अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू हो सकता है, या तो ये लाइटिंग के थ्रू हो सकता है, नेचर लाइटिंग के थ्रू जिसके दौरान आपका एलिमेंटल नाइट्रोजन नाइट्रेट बन जाता है, या कुछ ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से आपका जो एलिमेंटल नाइट्रोजन है वो आपका नाइट्रेट बन जाता है। भाई कौन से ऑर्गेनिज्म से, हम उन ऑर्गेनिजम्स को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। भाई क्या होते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इनका रोल क्या है, ये क्या करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स नाइट्रो बैक्टर, एक दूसरा ऑर्गेनिज्म आपका नाइट्रोसोमोनास, एक और ऑर्गेनिज्म जो आप लोगों ने बार बार सुना हुआ है राइजोबियम, राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम। These are the organisms which are responsible, which are known as nitrifying bacteria. These are the organisms responsible for conversion of elemental nitrogen into nitrates. अब भाई ठीक है, elemental nitrogen जो आपके atmosphere में था, abiotic component में था, अब ये चला आया हमारे biotic component में, आपके bacteria ने इसको consume किया, अब nitrates हमारे लिए readily available है, आपके plants
कंज्यूम करेंगे, फिर उसके बाद आपके एनिमल में चला आएगा, फिर प्रोटीन बनेगा आपके एनिमल में, अमाइनो एसिड बनेगा. नाउ द एलिमेंटल नाइट्रोजन हैज बीन लॉक्ड अप इन द बायोलॉजिकल सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड. नाउ अगेन इट हैज टू बी रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर एंड देयर आर बैक्टीरियाज व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अगेन रिलीजिंग एलिमेंटल नाइट्रोजन इनटू द एटमॉस्फेरिक पोल. And these are organisms, these are the organisms which are known as denitrifying bacteria. Denitrifying bacteria हम कहते हैं जो आपके organisms में lock up हो गए थे protein या amino acid के form में. अब कुछ organism उस पर act करेंगे, decomposers उस पर act करेंगे जो lock up हुआ है biological system में, again दोबारा से उसको release करके atmosphere में वो डाल देंगे. तो उन organisms का अगर हम एग्जाम्पल, उनको हम कहते हैं डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया. उनका अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे भाई, एग्जाम्पल आपका स्पाइरिलम, थायो, बैसिलस. होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं. जो ऑर्गेनिजम्स में मेंशन कर रहा हूं यहां पर, ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके नाइट्रेट्स या एलिमेंटल नाइट्रोजन जो आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में लॉकअप हुआ था वो किसने किया था, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरियाज ने, जो आपके प्लांट ने कंज्यूम किया, एनिमल ने, आप प्रोटीन के फॉर्म में जो डिकम्पोज होने जा रहा है वो जो ऑर्गेनिज्म जो इन ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को फिर दोबारा से एलिमेंटल नाइट्रोजन बना के एटमोस्फेयर में डाल देते हैं उनको हम डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं. जिसपे हमने स्पाइरलम कहा, थायोबैसिलस कहा, हमने एरोबैक्टर हो सकता है, एरोबैक्टर या ऑर्गेनिजम्स हमारे सीडोमोनास हो सकते हैं. मींस दीज आर द टू ऑर्गेनिजम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल, आइदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ एलिमेंटल नाइट्रोजन इनटू सिंपली इनटू नाइट्रेट फॉर्म विच इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स एंड देन अगेन देन ट्रांसफर्ड टू द एनिमल्स. And after the death of the plants or the animals, the amino acids or the proteins which have been locked up during the process of nitrogen fixation again release it into the atmosphere. And the organisms responsible for this conversion is known as the denitrifying bacteria. And the denitrifying bacteria are Spirillum, Thiobacillus, Aerobacter and Pseudomonas. So ye organisms, अब कहां से एलिमेंटल नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में था, बायोटिक सिस्टम में चला गया, सॉइल में भी चला गया, एबायोटिक सिस्टम में फिर दोबारा से एलिमेंटल नाइट्रोजन आपका एटमॉस्फेयर में वापस आया. तो आपका न्यूट्रिएंट क्या हो रहा है, यहां से कॉन्टिन्यूअसली मूवमेंट कर रहा है, साइकिल हो रहा है. दैट्स व्हाई वन ऑफ द न्यूट्रिएंट आई मेंशन दैट्स नाइट्रोजन, एंड द नाइट्रोजन इज कॉन्टिन्यूअसली इन ए मूवमेंट ऑफ साइक्लिक. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से 78% नाइट्रोजन. नहीं तो क्या, वो कॉन्टिन्यूअसली अगर फिक्सेशन हुआ होता यहाँ हमारे एटमोस्फेरिक पूल में 78% नाइट्रोजन नहीं होता, कम हो जाता. हम हमेशा कहते हैं 78% बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टिन्यूअस साइकिल. अब जो दूसरा हमारे पास न्यूट्रेंट है, एक और एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे. हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है जो हमारे प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कार्बन फिक्सेशन में यूज करते हैं, जिसे आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं. भाई कार्बन डाइऑक्साइड आपके ग्रीन प्लांट्स के लीव्स, ग्रीन प्लांट्स ने यहाँ पे एब्जॉर्ब किया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फिर उसके बाद भाई फूड मैन्युफैक्चर है, फूड मैन्युफैक्चर करने के बाद यहाँ पे आपके प्राइमरी कंज्यूमर ने इसको कंज्यूम किया, सेकेंडरी कंज्यूमर ने किया, फिर उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर जो भी होंगे, क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स वगैरह, वो आपके प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड, प्रोड्यूसर पे फीड करेंगे. प्रोड्यूसर ने क्या किया, एक्चुअली एलिमेंटल दिस कार्बन डाइऑक्साइड को एसिमिलेट किया, एब्जॉर्ब किया था ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कार्बन फिक्सेशन. फिर जब ये प्लांट डेथ होगा, ये प्राइमरी कंज्यूमर डेथ होगा, ये सेकेंडरी कंज्यूमर डेथ होगा, क्वार्टरी कंज्यूमर डेथ होगा, टर्शियरी कंज्यूमर अगर डेथ होगा तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा. डिकम्पोजिशन में अगेन आपके बैक्टीरियाज रिस्पॉन्सिबल होते हैं. वो बैक्टीरियाज इन जो भी प्लांट, एनिमल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर जो भी होगा, वो जैसे डेथ हो जाएंगे तो वहां से अगेन आपके फॉर्म में, किस फॉर्म में आपका रिलीज होके आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में.
जो आपके एटमोस्फेरिक पूल में चला जाएगा, और आपके 0.03% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमोस्फेयर में अवेलेबल है उस साइकिल को मेंटेन रखेगा। इसलिए जो आपके कार्बन है वो आपके अबायोटिक सिस्टम एटमोस्फेरिक पूल से बायोटिक सिस्टम में आया, फिर डिफरेंट कंज्यूमर्स के दौरान मूवमेंट किया, और हर कंज्यूमर के डेथ के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एटमोस्फेयर में फिर से दोबारा से रिलीज हो गया। इसलिए ये भी एक न्यूट्रेंट है, तो कॉन्टिन्यूसली हमने कहा इस तरह से न्यूट्रेंट का साइकिलिंग होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह आपके सल्फर का साइकिल होता है, फॉस्फोरस का साइकिल होता है, इनफैक्ट आपके वाटर का साइकिल होता है, इनफैक्ट आपके ऑक्सीजन का साइकिल होता है। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज कॉल न्यूट्रेंट्स आर साइक्लिक इन नेचर, व्हाइल द एनर्जी इज फ्लोइंग इन अ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। होप आपने अंडरस्टैंड किया हो। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। वस्सलाम।